जो प्राइस है वो 480 रुपए और ये हमने ऑफ फोल्ड हो गया। कैसा दिख रहा है? फिनिशिंग लाइन अट्रैक्टिव लग रहा है, पूरा का पूरा मस्त लग रहा है। मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा तो देख सकते हैं दोस्तों, आज अपने पास आई है अपाचे RTR 180 2016 मॉडल। ओके आप देख सकते हैं अपाचे RTR 180। आज इसमें हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इसका, इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ये बबल वाइजर। ओके तो देखते हैं, ये बबल वाइजर 480 रुपये का खरीदा था ऑफ मार्केट। ओके एक्चुअली ये ऑनलाइन बड़ा महंगा मिल रहा था तो इसलिए हमने इसे ऑफ मार्केट खरीदा है और ये यूनिवर्सल है, मतलब इसको आप एडजस्ट करके अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखते हैं हम किस तरीके से एडजस्ट होता है और एक लुक दिखा देता हूँ मैं एक झलक टाइप में, ये इंस्टॉल होने के बाद में किस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा पकड़ना चांद, ये कुछ इस तरह का लुक आएगा अपनी इस बाइक का, देख सकते हो आप लोग। ओके क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैंड है ना, और ये साइड से भी बैंड है तो इसकी वजह से ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, उसमें ऐसा कोई बैंड पोजीशन नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है आप देख सकते हो और बीच में से बबल टाइप है। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन दोस्तों, देखते हैं हम इसमें कितना सक्सेस होते हैं और लुक आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसा, क्या लुक आता है और क्या नहीं आता है। दोस्तों देख सकते हो ये है अपना वो वाइज़र जो आज हम अपने अपाचे पे लगाने वाले हैं। तो लगाने से पहले इसको हमें बैंड करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं मैंने ये निशान लगा लिया ये इस तरह से और ये इस तरह से। ओके तो इसका बैंड करने का प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, वो बैंड करने का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे इस पर। आप देख सकते हैं गैस बर्नर है, लो फ्लेम पे अपने को ये बर्नर जला के रखना, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और क्योंकि हमें बिल्कुल सीधा फोल्ड करना है इसलिए अपने इस देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें फोल्ड आया, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया तो इसको और करके देखते हैं अपन। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग हमारी आ चुकी है अच्छे से। कैसा लग रहा है इस साइड पे ये फोल्ड हो गया, कैसा दिख रहा है? फिनिशिंग लाइन तो बहुत प्यारी लग रही है मेरे को। अब देखते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। ये हमारा दूसरे साइड का, यार ये परफेक्ट लाइन लाना है, बस थोड़ा दिक्कत वाला काम होता, बाकी फिनिशिंग आप देख सकते हो इतनी प्यारी तरीके से हुई है, दिल खुश हो गया मेरा तो। और अंदर से भी आप देख सकते हो इसकी लाइनिंग पूरी पूरी लाइनिंग परफेक्ट है, बाकी थोड़े से हाथ के ही निशान दिखाई दे रहे हैं, वो तो साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस हमने इसमें लगा लिया निशान, देख सकते हैं आप, एक ये है और एक ये। तो अब हम जा रहे हैं इसमें हॉल करने और हॉल करेंगे अपने इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। ओके अट्रैक्टिव लग रहा है पूरा का पूरा मस्त लग रहा है ना? मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। तेरी बाइक के हिसाब से हो गया, वाइजर के हिसाब से बिल्कुल है ना। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमने नीचे इसके अंदर एक डबल टेप लगाई है और डबल टेप का हमने यूज़ किया इस वाले का, और इसी डबल टेप के ऊपर हमने डबल टेप लगाई है, वो डबल टेप है ये, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा कमज़ोर है, इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो इस वाले डबल टेप को लगा करके इसके बीच में इसे लगा दिया ताकि इसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए। ओके और इस साइड का अभी हमने एक स्क्रू टाइट कर लिया है, लेकिन अभी पूरा टाइट नहीं किया है, अभी दूसरा स्क्रू हम टाइट करेंगे, उसमें बीच में ये रबड़ का वॉशर लगाएंगे।
दिखा देता हूँ आपको, बनकर आ जाता है। ये देखो ये इस तरीके से इसके अंदर डाल के, और इधर से दिखा देता हूँ इस साइड से, ये देख सकते हो ये रबड़ वाशर है, ये रबड़ वाशर इसके अंदर लगा देंगे हम। ओके और दैन फिर इसको हम इस तरीके से सेट कर के बाद में अपना ये वाशर वाशर और नट। अब इस इसमें जो हमने ये रबर का जो वाशर दिया दोस्तों, वो इसलिए दिया क्योंकि इसका जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, और टाइट करने पर क्या होगा वो एक दूसरे को ज़्यादा ज़ोर नहीं डालेंगे, जिसकी वजह से क्या कोई किसी तरह का क्रैक नहीं आएगा और ना ही वाइब्रेशन की ना ही वाइब्रेशन की दिक्कत आएगी। ये दोनों चीज़ें अपनी इसमें काम हो जाएगी। अब हम इसको पूरा टाइट कर लेते हैं। फाइनली अब ये तो कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब गाड़ी का लुक तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।